अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहटा में मां मैटरनिटी सेवा सहायक क्लिनिक, 2400 घंटे इमरजेंसी सेवा की सुविधा, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, बांझ महिलाओं को संतान सुख देने में ख्याति प्राप्त कर चुकी डॉक्टर रसिका सहाय, रेफरल अस्पताल मेन गेट मंदिर के पास, बिहटा मेन ब्रांच पटना। बड़ी खबर नवादा से है, जहां असिस्टेंट बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल पर हैं बैंक कर्मी। हिसुआ थाना पुलिस ने मंगलवार को नवलेश कुमार को हाजत में बंद किया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया है। पीएनबी बैंक प्रबंधक अनूप कुमार शाह के साथ दर्जनों बैंक कर्मी थाना का घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, तो प्रदर्शनकारियों ने एसपी आवास पहुंच गिरफ्तार नवलेश को रिहा करने की मांग किया। के द्वारा खाता खोलने के लिए गांव में गया चला गया है और वहां पे खाता खोला गया, वहीं पे एटीएम चेकबुक इंस्टेंट दिया जाता है। बैंकों में ये प्रोविजन किया गया है, जो इंस्टा किट के तरफ से अलग नाम से भी हर बैंकों में अलग अलग नाम है, तो कस्टमर को इशू किया गया, कस्टमर ने एक्नॉलेज भी किया। उस खाते में उसका एटीएम जो था वो उसी के गांव वाले को एटीएम दे दिया था और वो लिखित में भी बैंक को दिया। बैंक ने उसको एक महीना ट्रांजैक्शन होने के बाद, जब जैसे आदमी को पता चलता है, बैंक वाले को पता चलता है कि इसमें ट्रांजैक्शंस एबनॉर्मल हो रहे हैं, जो कि उसके इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसको बताया जाता है कि आपके खाते में इस तरह के ट्रांजैक्शंस क्यों हो रहे हैं। सारे सेकेंड केवाईसी वेरिफिकेशन होता है कि सही तो है ना, तो सारा चेक किया भी गया और उसके बावजूद हुआ है ये कि उसको उसका खाता ब्लॉक कर दिया गया, एटीएम भी ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि अवैध ट्रांजैक्शंस उसमें दिख रहा था। उसके बाद कस्टमर ने क्या किया, जब वो एटीएम उसी के गांव वाले को दे दिया, उसने एक कंप्लेंट लिख दिया थाना को कि मेरे खाते में अवैध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मेरा खाता बैंक एम्प्लॉई खोला है। ये नेचुरल है कि बैंक एम्प्लॉई खाता खोलेगा, कोई बाहर वाला नहीं खोलेगा। और उसके खाते में टुट्टू सिंह उसी के गाँव का है, उसने उसमें ट्रांजैक्शन किया है, जो उसको फुसला के एटीएम लिया है, जो लिखित में दिया है पहले ही। इसके बावजूद भी इसका एफआईआर 30 नवंबर को जब पार्टी ने सबमिट किया था, तब नहीं लिया गया। और आज डीएम साहब के पास भी सेम कंप्लेंट आया, उसमें भी यही साफ साफ लिखा हुआ था कि टुट्टू सिंह के घर पे वो गए थे, तो उसका मतलब था यही कि कस्टमर को पहले से ही पता था कि उसका एटीएम उसके पास है और उसने ही सारे ट्रांजेक्शन किए हैं, तो टुट्टू सिंह जो था उसको गाली गलौज करके तो भगा दिया। अब वही कंप्लेंट आया डीएम साहब के पास और डीएम साहब की तरफ से आपका थाना में गया, तो थाना में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद बैंक एम्प्लॉय को पहले सुबह उठा लिया गया पूछताछ के तौर पे और उसको जेल में डाल दिया गया। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराने घुटना दर्द, कमर दर्द, पुराना बवासीर, जॉन्टिस का सर्तिया इलाज, महिलाओं को लिकोरिया, मासिक खराबी, जीभ का अल्सर होगा देखते ही देखते गायब, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं का होगा बीमारियों पर वार।